हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्ति पीठ श्री नैना देवी में जहां पर रविवार छुट्टी के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचते हैं, वहीं पर दुकानें बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शहर की दुकानें बंद होने के कारण बाहर प्रदेश से आए श्रद्धालु एवं पर्यटक खान पान की काफी दिक्कत झेल रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने मांग की है कि जिस तरह से बाबा पालकनाथ और पीर निगाह में धार्मिक स्थलों पर अन्य जिला में रविवार के दिन दुकानें खुली है, उसी प्रकार श्री नैना देवी में भी दुकानें खुली रहनी चाहिए। दुकानदारों ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि रविवार के दिन श्री नैना देवी में भी दुकानें खुली रखी जाए। नैना देवी में राज्य सरकार के द्वारा जो कोविड नियम के तहत दुकानें आज बंद हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं को माता की जो प्रसाद भेंट और अन्य जो सामग्री लेने में असुविधा हो रही है, इसलिए हमारी प्रशासन से और डीसी महोदय सर से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह बाबा बालकनाथ और पीर नगाहे में दुकानें खुली हैं, उसी तरह माता श्री नैना देवी में भी दुकान हर संडे को खोली जाए और किसी और दिन जो प्रशासन के द्वारा नोटिफिकेशन दी जाएगी, किसी और दिन जो है दुकान हम क्लोज करने के लिए सरकार के साथ सहमत है। अभी मैं जो संडे को मार्केट बंद की है, संडे को हमारा काम होता था और यात्री आ रहा है संडे को, तो हमारी दुकानें बंद है। एक दिन ही हमारा हफ्ते में काम होता है, तो हमारी जो संडे को है, संडे को खुलनी चाहिए दुकानें। प्रशासन से मांग करते हैं हम कि संडे को दुकानें खुली होनी चाहिए, और बाबा बालकनाथ में भी संडे को खुली है दुकानें सारी, और इधर भी नैना देवी में भी खुली होनी चाहिए दुकानें। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जबाल। आंखों के हर प्रकार की बीमारी का इलाज अब एक ही अस्पताल में। जी हाँ, सफेद मोतिये का ऑपरेशन, आंखों के टेढ़ेपन का इलाज, काला मोतिये का ऑपरेशन, लेजर द्वारा चश्मे उतारने का ऑपरेशन, आंखों के पर्दे का ऑपरेशन। यदि आपको दिखाई देने या पढ़ने में परेशानी हो रही है तो संपर्क करें डॉक्टर केडी आंखों के अस्पताल, पठानकोट, गुरदासपुर, जम्मू, कांगड़ा, किसी भी ब्रांच में।